अक्सर आपके जहन में ये प्रश्न उठता होगा कि ये डोमिनोज है क्या, इसका नाम डोमिनोज ही क्यों पड़ा, अमेरिका से भारत में इसकी एंट्री कब और क्यों हुई। तो हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना होगा, ताकि हम आप तक ऐसी ही कई जानकारियां समय समय पर उपलब्ध करा सके। डोमिनोज की कहानी 1960 में शुरू हुई, जब दो भाइयों टॉम और जेम्स मोनाघन ने मिशिगन के यपलिसलंसी में डोमिनिक्स नाम से अपना पहला पिज्जेरिया करीब $500 उधार लेकर खोला। उस समय यह एक स्थापित रेस्तरा था। इसके बाद 1965 में उन्होंने अपने सफल पिज्जेरिया का नाम बदलकर डोमिनोज रख लिया। 1978 तक 200 पिज्जेरिया चालू थे। आज कंपनी के 6100 फ्रेंचाइजी हैं और विश्व के 64 देशों में इसके स्टोर संचालित हैं। 2016 में डोमिनोज का नेटवर्थ $72.7 था। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय पिज्जा रेस्तरा श्रृंखला का नेतृत्व सीईओ रसेल वैनर करते हैं। डोमिनोज नाम क्यों? यूरोपीय डोमिनोज स्वतंत्र रूप से विकसित हुए होंगे या चीन में इतावली मिशनरियों ने इसको यूरोप में लाया होगा। डोमिनो नाम संभवतः वेनिस कार्निवल के दौरान पहने जाने वाले एक प्रकार के कार्निवल पोशाक से मिलता जुलता है, जिससे अक्सर काले रंग की हुड वाली पोशाक और एक सफेद मुखौटा होता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि भारत में डोमिनोज कब खोला गया था। तो हम आपको बता दें कि डोमिनोज पिज्जा कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर जनवरी 1996 में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में खोला था। अगर आपके दिमाग में भी डोमिनोज खोलने का मन कर रहा है, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए आपको डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी लेने के लिए करीब 30 से 50 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगह के हिसाब से और अलग अलग टाइप की फ्रेंचाइजी होने की वजह से आपकी लागत कम या ज्यादा भी हो सकती है। डोमिनोज पिज्जा का बिजनेस करने के लिए आपको करीब 1000 से 2000 स्क्वायर फुट जगह की भी जरूरत पड़ेगी। हमारा ये वीडियो आपको सिर्फ एक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। ऐसी और रील्स और शॉर्ट्स के लिए आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।